हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेडिकल वाला। मैं हूं विजय गुजर, आपको मेडिकल वाला यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता, मेरी फिर से आ चुकी है और मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में SKRP श्री गुजराती समाज होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है ना, SKRP जिसको शॉर्टकट में श्रीमती कमलाबेन रावजी भाई पटेल गुजराती समाज होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज भी बोलते हैं, उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस बार OBC कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो जाने वाला है लगभग 180 नंबर, ठीक है। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में काफ़ी हाई कट ऑफ है, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि इस बार काफ़ी कैंडिडेट इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हो, स्कोर भी काफ़ी अच्छा आया है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो स्टूडेंट, उनका कट ऑफ जाने वाला है 210 नंबर। तो दोस्तों, अनरिजर्व का 210 और OBC कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है 180 नंबर। तो फाइनली यही कट ऑफ रहने वाला है। ये चीज़ आप जब अलॉटमेंट होगा तब खुद भी आप क्लियर कर सकते हो, ओके। बाकी जो SC कैटेगरी ST कैटेगरी से कैंडिडेट्स हैं उन्हें इजीली काफ़ी कम, मतलब जस्ट क्वालिफाई स्कोर पर SKRP मिल जाए, और EWS वाले उन्हें भी लगभग 150-140 के आसपास कॉलेज इजीली अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहने वाला है इस बार गुजराती समाज होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे लोग बहुत दिनों से पूछ रहे हैं। इसे मैंने लास्ट टाइम भी नहीं बताया था कितना जाएगा, बट इस बार आप लोगों को एग्जैक्ट मैं बता दे रहा हूँ पहले कि इतना कट ऑफ इस बार जाने वाला है, ठीक है। सो अगर, लेकिन जिनके कम स्कोर है वो भी एक चीज़ ये रखें कि गुजराती के अलावा आप लोगों को कुछ और कॉलेजेस भी सिलेक्ट करने हैं, ताकि अगर आपको नहीं भी मिलता है तो नेक्स्ट राउंड में आप अपग्रेड कर सको और आपको एक मौका मिल सके यहाँ पर आने का, ठीक है। और बाकी दोस्तों, अदर कॉलेजेस की अगर बात करें, अगर BHMS और कॉलेजेस है जिनका कट ऑफ लगभग जस्ट क्वालिफाई के आसपास मिल जाएगा आपको, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी का जाता है प्राइवेट कॉलेजेस के मामले में। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो लगभग 350 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है OBC का, लगभग वो इस बार भी लगभग मतलब 300 के अब वो ही कट ऑफ रहेगा लास्ट तक। लास्ट ईयर क्या था होम्योपैथी में, जैसे बहुत सारे लोग मान रहे थे कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ 93 पे कॉलेज एलेक्ट हुआ तो इस बार भी मिल जाएगा हमें, ठीक है भैया, नहीं मिलेगा। कैंडिडेट ही इतने ज़्यादा है, आप खुद चेक करिए। लास्ट टाइम जो मेरिट लिस्ट आई थी फर्स्ट राउंड की, उसमें थे 4700 कुछ स्टूडेंट, इस बार कितने हैं 5100। तो सिर्फ 400 स्टूडेंट नहीं बढ़े, वो जिन लोगों को एडमिशन मिल चुका है ना वो मेरिट से बाहर हो चुके हैं, समझ रहे हो। जिनको एडमिशन मिला ना वो माइनस भी हुए उसमें, तो तुमको सिर्फ इतना ही लग, ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ 400 स्टूडेंट ही बढ़े हैं, 400 नहीं बढ़े, बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, ठीक है। एडमिशन वाले स्टूडेंट उसमें से माइनस हुए, अब एडमिशन आप देख लो कितने मतलब अलॉटमेंट हुए थे और अभी मतलब अलॉटमेंट होने के बाद में कितने लोगों ने अपग्रेड किया है, ठीक है, और कितनी सीटें, मतलब जितनी सीटों पर अलॉटमेंट हुआ था, एक चीज़ से आप निकाल सकते हो, जितनी सीटों पर अलॉटमेंट हुआ था उसके बाद में उतनी सीटों को अलग करो, उसके बाद में अब बची हुई सीटें कितनी हैं, ठीक है। अगर मान लो उसमें से बहुत सारे लोगों ने अलॉटमेंट के बाद भी कॉलेज छोड़ा होगा तो उनकी सीट इसमें आ गई होगी, तो अलॉटमेंट वाली जो सीट्स है उनको ओवरऑल टोटल सीट से माइनस कर लो, उसके बाद में ओवरऑल अभी कितनी सीटें बची हैं उसको माइनस करके देखो, तो ओवरऑल एग्जैक्ट सीट पता चल जाएगी कितने एडमिशन हुए हैं, ओके। बाकी ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।